किसी सरकार के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर जो टिप्पणियां की उसके बाद मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कोर्ट, देश राज नहीं बचा। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बारे में कहा कि पैसे के दम पर कोर्ट के आदेश रोके जा रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में काम नहीं करना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा केंद्र मोदी सरकार के लिए कहा कि अब देश छोड़ना ही बेहतर है। ये विपक्ष नहीं कह रहा मोदी जी, इस देश का उच्चतम न्यायालय आपकी सरकार के बारे में कह रहा है। इसके बाद किसी सरकार के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और उसका कारण क्या है? कारण बड़ा सीधा है, सरकार 1,02,000 करोड़ की टेलीकॉम कंपनियों से रिकवरी की छूट दे रही है। आई रिपीट, मोदी सरकार 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल भारती, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विसेज जिसकी मालिक एयरटेल है एंड रिलायंस जियो, इनसे 1,02,000 करोड़ रुपया रिकवर नहीं कर रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। पर एक और पहलू है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया ही नहीं, वो है कि इस देश के 112 करोड़ प्रीपेड फोन ग्राहकों से मोदी जी ने अगले 4.5 साल में 1,60,000 करोड़ रुपया लूटने का प्लान बना रखा है, जो अब चालू है। मैं अभी कागज से साबित करूंगा। इस देश के 112 करोड़ प्रीपेड सेल फोन ग्राहकों से क्यों ने नहीं दिया 1,02,000 करोड़, और वसूली की छूट 1,60,000 करोड़ की 112 करोड़ प्रीपेड ग्राहकों से। ये आज की पत्रकार वार्ता का सार है। अब इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके साथ रखूंगा, क्योंकि मामला बड़ा सीधा है। मोदी सरकार प्रीपेड मोबाइल ग्राहक 1,60,000 करोड़ की लूट के नए प्रयोग की अद्भुत क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि मोदी जी को दो शब्द बड़ा पसंद है, एक प्रयोग और एक क्रोनोलॉजी। तो उन्हीं के शब्दों में मैं बताऊंगा देश को। पहली तारीख 24 अक्टूबर 2019 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां 1,02,000 करोड़ कहा था, तो मैं 1,02,000 करोड़ मान लेता हूं। आई रिपीट, 24 अक्टूबर 2019 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर जमा कराने का आदेश दिया। यह 1,02,000 करोड़ रुपया किसे जमा करवाना है? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल भारती, टाटा टेली सर्विसेज जिसकी मालिक अब एयरटेल है और रिलायंस जियो। दूसरी तिथि नोट करिए, यह थी, पहली थी 24 अक्टूबर 2019, 29 नवंबर 2019। संयोग देखिए कितना अच्छा संयोग और प्रयोग है। मोदी जी देश के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते,
और मंत्रिमंडल की उस बैठक में इन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स का दिया जाने वाला 42,000 करोड़ रुपया स्थगित कर देते हैं 2020-21 और 21-22 का। और उसका जो पीआईबी का प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसकी प्रतिलिपि ये है, मैं आपको ये जारी कर रहा हूं। 42,000 करोड़ रुपया का स्पेक्ट्रम का मोदी जी उसके ठीक एक महीने के अंदर 30 दिन में बैठक बुलाते हैं और उसे स्थगित कर देते हैं। तीसरी तारीख, तीसरा संयोग देखिए और प्रयोग मोदी जी का, तीसरी तारीख है 1st, 3rd and 6th December, पहली तीसरी और छठी दिसंबर 2019, टेलीकॉम कंपनियां यकायक प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों से टैरिफ और डेटा यूजर्स चार्ज दोनों बढ़ा देते हैं। पहली तीसरी अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग दिन बढ़ाया था, पहले वोडाफोन ने बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया, फिर जियो ने बढ़ाया, तो तीनों कंपनियों ने बढ़ाया। पहली और छठी दिसंबर 2019 को तीनों सेलफोन कंपनियां प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों का 40% डेटा यूजेस चार्ज बढ़ा देते हैं। तो कागज से साबित करूंगा क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट ट्राई रिपोर्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, आई एम रिलीजिंग इट टू यू, इट्स ए ट्राई रिपोर्ट और 1 अक्टूबर 2019 ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो प्रीपेड सेलफोन ग्राहक इस देश में, मैं नहीं कह रहा, ट्राई इज द अथॉरिटी, वो कह रही है कि 112 करोड़ है। तो 112 करोड़ ग्राहकों का इसी रिपोर्ट में ये कि इनका मंथली एनुअल रेवेन्यू 66 रुपया है और ये बन जाता है साल का 792 रुपया, इसका 40% बन जाता है 316 रुपया क्योंकि 40% ही बढ़ा। तो 112 करोड़ सेलफोन ग्राहकों का 40% इस सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त पैसा बना 35,481 करोड़ रुपए सालाना, 35,481 करोड़ एनुअली। मोदी जी की सरकार के बचे हैं 4.5 साल, इसे 4.5 साल से गुना कर दीजिए, यह पैसा बना 1,60,080 करोड़, 1,60,000 करोड़ मान। तो मोदी जी ने क्रोनोलॉजी और प्रयोग दोनों देखिए, 40% 1,02,000 करोड़ क्योंकि टेलीफोन कंपनियों को देना है, तो उसके एक महीने के अंदर 40 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों का टेलीफोन टैरिफ और डेटा यूजेज, जो आप भी यूज करते हैं, आपका भी और कैमरा के पीछे जो साथी खड़े हैं उनका भी और आपके दर्शकों का भी, सालाना 35,561 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। जो मोदी जी के 4.5 साल के कार्यकाल से गुना करूं तो एग्जैक्ट फिगर है 1,60,028 करोड़ रुपए। अगला प्रयोग देखिए, एक तिथि और सिर्फ देखिए और संयोग भी देखिए, वाह मोदी जी वाह। 23 जनवरी 2020 केवल चौथी तारीख, मोदी जी का टेलीकॉम डिपार्टमेंट एक आदेश निकालता है और कहता है कि इन सेलफोन कंपनियों से 1,02,000 करोड़ रुपया या 1,47,000 करोड़ जो भी वो फिगर है वो उन्हें पता है, 1,02,000 सुप्रीम कोर्ट को दी है, ये पैसा
और कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं करनी। असीम कृपा इस देश के व्यापारी पर नहीं, बेरोजगार पर नहीं, किसान और दुकानदार पर नहीं, तीन टेलीकॉम कंपनियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।